आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। ये मेरा टोस्टर वाइट है, तो अगर इसको एक महीना भी ना सही तरीके से साफ़ किया जाए तो बहुत गंदा हो जाता है। तो आज मैंने सारा इसको साफ़ किया है, और ये चूल्हों पे जो इनका लोशन होता है वो डाल के छोड़ दिया था 10 मिनट। इनको फिर अच्छी तरह मैंने साफ़ किया है, और अब ये ऊपर की इसकी जाली है। स्प्रे करके इनका छोड़ दो तो बड़े आराम से साफ हो जाते हैं, बिल्कुल रगड़ना नहीं पड़ता, फटाफट सारी चिकनाई उतर जाती है। 5 मिनट के लिए स्प्रे करके छोड़ दें बस। ये सारा साफ हो जाए। इसको मैंने निकाल के तो इसको स्प्रे कर दिया था, और अब इसको मैं साफ कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 महीने के बाद मैं इसको अब साफ़ कर रही हूँ। हमारे घर में चूँकि एशियंस घरों में चिकनाई चिकनाई की चीज़ें बनती हैं, हालांकि मेरे घर में वैसे काफ़ी कम बनती हैं, फ्राई कम होती हैं चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत चिकनाई हो जाती है पूरे किचन में, चीज़ों पे, कैबिनेट्स पे, चूल्हे पे। और ये चूल्हे के बिल्कुल पास है टोस्टर पड़ा हुआ, तो यहाँ पर भी छींटे पड़ते रहते हैं, तो इसको तो हर 20 दिन बाद, महीने बाद मुझे ज़रूर साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो वाइट है, बहुत गंदा लगने लग जाता है फिर। बस आज ये चल रही है सफाई। ये जी मेरा एग्जॉस्ट जो है किचन का बिल्कुल साफ हो गया, ऊपर से भी, इसका शीशा भी, और ये नीचे से भी सारा। अगर इसको महीने के महीने तो नहीं, 2 महीने के बाद ना साफ करो और उफ, फिर तो बहुत मेहनत वाला काम हो जाता है, इसलिए मैं हर 1.5-2 महीने के बाद इसको सारा को क्लीन कर लेती हूँ। ये दीवार भी साफ हो गई, चूल्हे भी साफ हो गए, टोस्टर भी साफ हो गया, सब चीजें। ये मेरी माँ ने अब साफ कर दिया किचन। इस देगची में मैंने 5 कप पानी के डाले हैं, क्योंकि मैं बबल टी बनाने लगी हूँ। हाँ, ये एक आधा कप है टैपियोका पर्ल्स के, आपको कहीं भी चाइनीज, जापानीज, एशियन स्टोर में मिल सकते हैं। तो 1 कप के लिए आपको 10 कप्स ऑफ वाटर चाहिए होते हैं, और एक हाफ कप के लिए 5 कप मैथ। तो डिपेंड आप कौन से टैपियोका पर्ल्स खरीद लें, डिपेंड होता है, लेकिन मेरी रेसिपी यही कह रही है। और यहाँ पे हम अभी क्रेप बनाने लगे हैं, बैटर मामा ने अभी बनाया है। अभी देखिए पानी उबल रहा है, तो उसमें मैं टैपियोका पर्ल्स डालने लगी हूँ, और इनको मैं अब इंतज़ार करूँगी कि ये पानी के सरफेस पे फ्लोट होना शुरू कर दें, तैरना शुरू कर दें, और बाद में फिर मैं इनको आँच बंद कर दूँगी, इनको ढक्कन दो से तीन मिनट रख दूँगी, और फिर मैं फिर आँच से उतार दूँगी, लेकिन 2 से 3 मिनट अंदर ही रहने दूँगी। इनको मैंने ढक दिए थे तो 2-3 मिनट, अब इनको मैं ठंडे पानी में डाल रही हूँ, इसमें बॉल में ठंडा पानी है, तो अब इनको मैं इनको इनमें थोड़ी देर डाल डालूँगी। ये देखें जी, हमारे बन रहे हैं क्रेप, पैनकेक कह लें, फ्रेंच में क्रेप कह लें, कुछ भी कह लें इसको। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा चले गए हैं आज ज्यूरिख, उन्होंने कल वापस आना है शाम को, और मैं और मेरी बेटी हैं, तो जब मैं और मेरी बेटी घर होते हैं तो फिर हम खाना नहीं बनाते इस तरह की उटांग चीज़ें बना के, और बस खाते रहते हैं। मेरी बेटी को तो खैर ये बहुत पसंद है, उसको तो डेली भी दो तो वो खाने के लिए तैयार है। और साथ हम लेंगे इसके साथ नूटेला, आप कुछ भी ले सकते हैं, नूटेला ले सकते हैं, जैम ले सकते हैं, जेली ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, शहद भी बाज़ लोग लगाते हैं डाल के खाते हैं, नमकीन सब भी बनते हैं। हाँ नमकीन भी बनते हैं।
और इसमें मैंने तीन पत्ती डाल दी थी पीजी टिप्स की आपके पास तीन डाली चार डाली चार तीन चार हाँ तीन चार आपके जिससे आपको टेस्ट की अच्छी लगती है तो आपके पास है पीजी टिप्स है या लिप्टन कोई भी ब्लैक टी और बाद में इसे हमने दो इतने भर के चम्मच डाले हैं चीनी के और साथ थोड़ी सी वनीला वन टी स्पून वनीला और अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी और बाद में इसमें मैं दूध डालूंगी थोड़ा सा तो मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही हमारा आखिरी खैप बन रहा है और ये इतने बन गए और ये इतने सारे बन गए जिसमें से ज्यादा मैंने खाने बहुत मजे के बनते हैं हम लोग हमेशा आटे के बनाते हैं लेकिन आज हमारा आटा चूंकि खत्म हो गया हुआ है तो आज हम लोगों ने मैदे के बनाया मैदे के भी मजे के लगते हैं लेकिन बस आज आटे के मैदे के बनाए आटा खत्म ये देखिए मैंने टी बना ली है इसमें जिससे मैंने आपको बताया था पत्ती पानी चीनी और थोड़ी वनीला शुगर तो भी ठंडी हो गई है गर्म में नहीं डाली और अब मैं इसमें दूध डालूंगी तो मेरे पास ये लैक्टोज फ्री मिल्क है आप नॉर्मल दूध डाल सकते हैं ऑलमंड मिल्क सोया मिल्क राइस मिल्क कोई भी कुछ भी आप चाहें डाल सकते हैं इसके अंदर तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ही डालूंगी मैं ये एक छोटा ग्लास है दूध का मैं तकरीबन अभी फिलहाल देखूंगी कितना डालूंगी तो फिलहाल ये डाल रही हूँ चाय का रंग है जैसा अगर आप या आप पे डिपेंड करता है अगर आपको अच्छी लगती है ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा लाइट ये देखें ये बिल्कुल ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है अगर आपको अच्छी लगती है ज्यादा सॉफ्ट या कैसे तब मैं इनमें डालूंगी ये भी आपके पे डिपेंड करता है अगर आपको ज्यादा पसंद है कम हमें मजा आता है ज्यादा चलिए इसमें मैं डालूंगी टी अब इसमें मैं डालूंगी टी और ये इसमें हमने ये मोटी स्ट्रॉस डाल रही हूँ और ये जी हमारी बबल टी तैयार अगर ये हमने स्ट्रॉस वहाँ से ली थी जहाँ पे हमने बबल टी पहले दो तीन दफ़ा बाज़ारों में पी थी तो हमने इनकी दो स्ट्रॉस ले ली थी लेकिन आपको बेहतर है अगर आप कोई मेटल स्ट्रॉस दें ताकि पॉल्यूशन भी कम हो लेकिन ये हमने काफ़ी दो तीन दफ़ा पहले ही में पिए हुए थे तो हमने रख लिए जब तक कि ख़राब ना हो जाए तो ये हमारी होम मेड बबल टी तैयार कैसे बने हैं बहुत ही लजीज़